वेलकम वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम मेरे प्यार प्यार व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उसामा शेराजी, आयशा शेराजी, उमर शेराजी आपके खिदमत में हाजिर है। आलू सूप की बैटर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो एक कप मैं लूँगा बेसन, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून मैं लूँगा नमक, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला और पानी हम लोग लेंगे हसब ज़रूरत। तो बैटर बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की जरूरत होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोवेस हम लोग ले लेंगे किसी भी साइज़ का बाउल और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसन ऐड करने के बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, लाल मिर्च, हल्दी, ओरिगैनो, तो ये स्पाइसेस मैंने आपको दिखा दिए, उनके नाम भी और उनकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। तो ये सब हम लोग ऐड कर देंगे और फिर ज़रा मिक्स कर लेंगे। तो हल्का सा मिक्स करने के बाद हम लोग इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी एकदम से सारा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा पानी आप लोगों ने ऐड करना है और इस तरीके से मिक्स करते जाना है। तो तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये एकदम बैटर की शक्ल में नहीं आ जाता। इस तरह मिक्स करते रहना, पानी की ज़रूरत होगी तो आप लोग पानी साथ साथ डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता बैटर की शक्ल में आ रहे हैं। तो जब ये एकदम स्मूथ हो जाएगा तो फिर हमारा बैटर एकदम रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग मिक्स करते जाएंगे जब तक कि हमारा बैटर एकदम स्मूथ नहीं हो जाता। फिर आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा स्मूथ हो चुका है। तो दूसरी तरफ हम लोग आलू चॉप की टिक्किया बनाने के लिए मुझे चीज़ चाहिए। तो हाफ के जी हम लोगों ने लिए आलू यानी कि पोटैटोस, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून अदरक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और 4 चम्मच हम लोग लेंगे ऑयल की। आप चाहें तो घी यूज कर सकते हैं। कुछ पत्तियां हम लोग लेंगे धनिया की और एक छोटे साइज़ की टमाटर और 4 हरी मिर्चें और 1 छोटे साइज़ की प्याज। इनको भी हम लोग बारीकी से काट लेंगे टिक्कियों के लिए। सोवेज अब हम लोग ले लेंगे कोई सा भी पैन जो नॉर्मली आपके घर में मौजूद होगा, उसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा यानी कि क्यूमिन। तो हल्का सा हम लोग इस तरीके से भून लेंगे। हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हल्का सा भून लेंगे
चम्मच हिलाते हुए। तो इसे हम लोगों ने हल्का सा भून लिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्ची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्ची भी हम लोगों ने ऐड कर दी हैं, मिक्स कर लेंगे। तो पोटैटोज यानी कि आलू को हम लोगों ने हाथों से मैश कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसे भी हम लोगों ने भून लिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू जिन्हें हम लोगों ने मैश कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैश करने के बाद हम लोग अच्छी तरीके से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और कुछ इस तरीके से भूनेंगे। तो कुछ इस तरीके से भूनेंगे हम लोग। और इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, सूखा धनिया और मिक्स कर लेंगे। और कुछ ही हम लोग स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हल्दी, सोया ऐड करेंगे हम लोग हल्दी, और हल्दी ऐड करने के बाद और स्पाइसेस ऐड करेंगे, चाट मसाला और गिंगर पाउडर। तो इसी तरह कुछ स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो हम लोग सीजन तैयार करेंगे वो एकदम रेडी हो जाए। तो ये एकदम रेडी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, इसे आप लोगों ने बारीकी से काट लेना है। हरी मिर्च ऐड करेंगे, सॉरी हरी मिर्च हम लोग ऐड कर दी थी, अब हम ऐड करेंगे सूखा धनिया। हरी मिर्च इसलिए शुरू में ऐड की थी ताकि उसका कच्चा जायका ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से भुन जाए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब ये एकदम रेडी है। तो अब हम इसे रख देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। सोया सॉस से इस तरह कुछ शेप दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसी तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और शेप जो आप रखना चाहें, साइज़ जो आप रखना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये एकदम रेडी है फ्राई होने के लिए। तो इनमें से अब हम लोग कोई सा भी ले लेंगे, कोई सा भी हम लोग ले लेंगे और उसे डिप कर देंगे हमारे बैटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैटर में डिप कर लेंगे मुकम्मल तरीके से और फिर फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ऑयल गरम कर लिया, और अब ऑयल फ्लेम अब नीचे से मीडियम है, हाई पे हम लोगों ने गरम कर लिया। तो अब ये जैसे हम लोगों ने ऐड किया तो अल्हम्दुलिल्लाह कलर चेंज होने पे आ गया। तो जैसे ही कलर चेंज होगा तो फिर हम लोग निकाल लेंगे, आहिस्ते आहिस्ते पलटाते जाएंगे। जब एक साइड से कलर चेंज होगा तो दूसरी साइड से पलटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जो हमारे पक जाएंगे वो हम निकालते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हम लोग पकाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। और साथ साथ में फ्राई करते जाएंगे, बैटर में डिपोते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। सोवेज रमज़ान स्पेशल रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप रमज़ान में इफ्तारी में सर्व कर सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं, बहुत ही चटपट बन जाते हैं। सोवेज ये देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं कि साथ में मैंने केचप रखी हुई है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो होममेड
इसकी रेसिपी अगर आपने देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो तैयार है हमारी आज की रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही आसानी के साथ बनी और बहुत ही चटपट। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।